एक बार फिर से सत्ता संभालते ही बुलडोजर बाबा का चला बुलडोजर। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दोबारा से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद फिर से अपना बुलडोजर रुख अपना लिया है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद। लेकिन इस बार बुलडोजर गुंडे माफियाओं के ऊपर नहीं चला बल्कि विपक्ष के विधायकों की प्रॉपर्टी पर चला है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पेट्रोल पंप पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और उस पेट्रोल पंप को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बरेली के सपा विधायक शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप का है, जिस पेट्रोल पंप को यह कहकर तोड़ा जा रहा है कि वह पेट्रोल पंप बिना नक्शे के बना है। दरअसल कुछ दिनों पहले शहजिल इस्लाम विधायक बनने के बाद एक कार्यक्रम में आए थे और इस कार्यक्रम की मंच के माध्यम से सपा विधायक ने योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए कहा था कि अगर इस बार नहीं माने तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं गोली निकलेगी, हम भी सड़कें जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इस बार विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या पिछली बार की अपेक्षा अधिक है। तो अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। अगर इन्होंने मनमानी करने की कोशिश करी तो बरेली के अंदर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम करने का काम करेंगे और कोई जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं होने देंगे। विपक्ष की माने तो इस बयान के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने बदले की भावना के चलते उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया है। देखने वाली बात यह है कि बुलडोजर बाबा के बुलडोजर अब कहां कहां और किस किस पर चलेंगे। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट, KIA न्यूज़।